मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है और मैं राजगढ़ डिपो में एज ए ड्राइवर काम करता हूँ। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद था हम लोग फिर भी काम कर रहे थे। अचानक एक दिन हमें पता लगा कि हमें कैट्स एम्बुलेंस में जाना है। सुन के बड़ी घबराहट हुई, लेकिन क्या करें, काम तो करना था, देश सेवा का सवाल था, इसलिए हम लोग वहाँ गए। जब हमें वहाँ पता लगा कि हमें स्पेशली कोरोना पेशेंट के लिए बुलाया गया है, उन लोगों को लेके आना है, उस टाइम बड़ी घबराहट हुई, बड़ा अजीब सा लगा कि हम ये लोग कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी हमने किया। बस बड़ा खौफनाक मंजर था वो, हर तरफ दहशत का माहौल था। सुबह सुबह घर से निकलते थे, सब कुछ सुनसान, सब कुछ बंद, सिर्फ रोड पे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस या फिर हम। जब जहाँ से ज़्यादा पेशेंट निकलते थे वहाँ स्पेशली बस को भेजा जाता था, तो वो भी एक दौड़ था, उसमें काफ़ी संख्या में लोग निकलते थे, काफ़ी बसें होती थी, उनके बीच में जाना, एक बस में 20-20-30-30 आदमी को कोविड पेशेंट थे, सस्पेक्ट थे, उनको लेके आना, बड़ा मतलब खौफनाक लगता था, लेकिन करना पड़ता था और हमने किया। ऐसा होता था हमारे साथ, जब हम शाम को घर जाते तो ये हमें ये डर सताता रहता था कहीं हम इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए, क्योंकि उसमें ऐसा था कि अगर हम इन्फेक्टेड हो गए तो अगर हम घर जाएंगे तो घर वाले वो भी हमसे लग जाएगा वो, इसलिए हम पूरी सावधानी बरतते थे। घर जाने से पहले अपने हैंड वॉश की तरह सैनिटाइज करते थे, अपने आप को सैनिटाइज करते थे, फिर घर जाते थे। जब हम एम्बुलेंस के जरिए लोगों को लेने आते थे, लोगों में इतना डर था, इतना खौफ था कि अब तो हमें COVID-19 हो गया है, अब तो हम कभी वापस आएंगे, आना नहीं चाहते थे। उनको समझाना पड़ता था ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, आप चलिए हमारे साथ, आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और लोग ठीक हुए, आप भी ठीक हो जाएंगे, आप डरिए मत कि अगर आपको कोविड हो गया है तो आप मतलब अब आपका सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, चलिए हमारे साथ। उनको समझाना पड़ता था और उनके घर वाले भी सब ऐसे रोते थे मतलब सब कुछ खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं था, बहुत लोग ठीक हुए। गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटी थी, सब कुछ हमें प्रोवाइड किया जा रहा था, पीपीई किट वगैरह, वो पूरी सेफ्टी के साथ सतर्कता के साथ हमने वहाँ काम किया। अगर ऊपर वाला ना करे, जो ये दौर आया है ऐसा दौर दोबारा आए, लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ पैदा होती तो हम देश सेवा के लिए दोबारा भी आए। जय हिंद। ये है हमारे कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर भी लोगों की जान बचाने के लिए दिन और रात मेहनत की है। दिल्ली सरकार उनके जज्बे को सलाम करती है।